तो मॉडर्न मास्टर जी के व्यूवर्स कैसे हो तुम सब। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का 11 चैप्टर बल तथा दाब। तो इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज देखें, उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बल धक्का देना यानी कि आकर्षित करना अथवा खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल का परिमाण तथा दिशा क्या होता है? बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया होने के कारण लगता है और किसी भी वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन या दोनों में होने वाले परिवर्तन का तात्पर्य है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उसकी गति अवस्था में या उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जब आप किसी भी चीज़ पे बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है या उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जब आप फॉर्म की आपने बॉल देखी होगी, जब आप उसके बल लगाते हैं तो वो पिचक जाती है यानी कि उसकी आकृति बदल जाती है। और जब क्रिकेट की बॉल आती है, जब आप उसे बैट से हिट करते हैं तो उसकी गति बदल जाती है। जब आप उस पे बैट से बॉल पे आप जब बल लगाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर अथवा संपर्क में आने बगैर लग सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब कहलाता है। ये आपको यहाँ पर दाब की डेफिनेशन मिल गई है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे दाब कहते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। तो ये तो थे इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स, लेकिन अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में ही आप काफ़ी कुछ इस चैप्टर का रिवाइज कर लेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं भी होंगी, वो भी आपको यहाँ पर याद आ जाएगी। तो बने रहें मॉडर्न मास्टर जी के साथ और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करने। ये देखो, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आ गए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। अब आपको धक्का या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की जब गति और उनकी अवस्था में परिवर्तन आता है, इन्हीं के आपको दो दो उदाहरण देने हैं। तो पहला हम देखते हैं धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। तो इसमें पहला उदाहरण है, जब हम धक्का देते हैं हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। जब हॉकी का खिलाड़ी बैट से बॉल को मारता है तो बॉल स्पीड में वहाँ से चली जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है, किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार करना। आपने देखा होगा या फिर आपने किया भी होगा जब आप छोटे थे, क्या पता मेरी तरह अभी भी करते होंगे। तो आप क्या करते थे, एक जब आपके पास ख़राब टायर पड़ा रहता था तो आप उसको चलते वक्त उस पर डंडे से मारते थे और उसके पीछे दौड़ते थे। तो आप डंडे से मारते थे जिसके कारण कि टायर की गति बढ़ जाती थी। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। जब खिंचाव लगता है तो उसके कारण गति की अवस्था में परिवर्तन आते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना, जब आप कुएं में बाल्टी डालते हैं
और उससे रस्सी से बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो ये खिंचाव के कारण जो बाल्टी होता है उसमें गति आती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है धनुर्धर का तीर चलाना। जब धनुर्धर होता है वो अपने धनुष से तीर चलाता है, तो उस टाइम जब वो स्ट्रिंग को पीछे खींचता है तो उस टाइम स्ट्रिंग में भी गति आ जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, रबर बैंड खींचना। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो उस पर जो बल लगता है उसके कारण उसकी आकृति बदल जाती है। आपने देखा होगा रबर बैंड पहले छोटा होता है, लेकिन जब आप उस पर बल लगाकर खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। उसकी क्या होती है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, रबर की गेंद को दबाने से हाथों दोनों हाथों से दबाना। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि जो रबर की बॉल होती है जब आप उसको हाथ से दबाते हैं तो वो पिचक जाती है, यानी कि उसका आकार चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्लियर है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से आपको पता ही होगा, आप बचपन से करते आ रहे होंगे कि यहाँ पर हमें ये क्लूज भरने हैं। तो पहले में आपका आंसर आएगा, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है जब कुएं में से पानी निकालते हैं, हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। तो क का उत्तर आएगा, रस्सी को खींचना पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। क्या करती है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है। जिस एक ट्रॉली होती है आपने देखा होगा, उसमें जब सामान रखा हुआ होता है तो वो अपने आप तो चलती नहीं है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको धक्का देना पड़ता है। तो तीसरे में आएगा, उसे धक्का देना पड़ता है। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, किसी चुंबक या उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के प्रति उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। किसी चुंबक का आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव जो होता है वो दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। आपने देखा होगा जो सेम पोल्स होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, दोनों के उत्तर ध्रुव, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको पहला पॉइंट दिया गया है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन आता है। जब वो उसके जो धनुर्धर जो होता है वो उसकी स्ट्रिंग को जब खींचता है तो उसकी किस चीज़ में परिवर्तन आता है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। दूसरा पॉइंट है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल होता है। जो धनुर्धर होता है जब वो स्ट्रिंग को खींचता है तो वो कौन सा बल लगाता है, वो पेशी या बल लगाता है, क्योंकि वो अपने हाथ से खींचता है तो उसमें लगेगा पेशी या बल। तीसरा पॉइंट है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। जो तीर की गति की अवस्था होती है उसमें कौन, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी बल होता है वो किस प्रकार का बल उदाहरण है, वो है संपर्क।
उसके बाद हम चौथा देखते हैं, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होता है। तो उस पे कौन सा बल लगता है? गुरुत्वीय बल लगता है, क्योंकि वो तीर को नीचे खींचता है। और घर्षण, वायु के साथ जो घर्षण बल लगता है वो आएगा आपका सेकेंड में। अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो अब आपको दिया गया है कि नीचे कुछ स्थितियाँ दिए गई हैं, उनमें बल लगाने वाले कारक, जो चीज़ बल लगा रही है और जिस वस्तु पर बल लग रहा है, आपको उनमें डिफरेंस बताना है। मतलब उन चीज़ों को बताना है कि किस पर बल लग रहा है और कौन बल लगा रहा है। और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। आप जब रस निकालते हैं नींबू का, तो उसमें आप क्या करते हैं, उंगलियों से नींबू को निचोड़ते हैं। तो इसमें कौन बल लगा रहा है और किस पर बल लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले का आंसर होगा, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए लगाने वाला कारक मांसपेशीय यानी कि पेशीय बल है, क्योंकि आप अपनी उंगलियों से उसको निचोड़ रहे हैं तथा बल नींबू पर लग रहा है। और बल किस पर लग रहा है? नींबू पर बल लग रहा है। प्रभाव के कारण, बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। और अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। आप जब दंत मंजन देखते होंगे, आप जब टूथपेस्ट देखते हैं तो आप जब उसको दबाते हैं तो उसके अंदर से पेस्ट बाहर आता है। तो उसमें कौन बल लगाता है और किस पर बल लगता है, तो चलिए देखते हैं। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक कौन सा है? मांसपेशीय कारक। तथा जो बल ट्यूब पर लगता है, जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। और अब हम देखते हैं, गौ वाला दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो इसमें हम देखते हैं, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक, भार, असंपर्क बल। वस्तु जिस पर बल लग रहा है वह हुक कमानी तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। अब हमारे पास अगला और लास्ट है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। जब ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा क्या होता है, निश्चित ऊंचाई की जो छड़ होती है उसको पार करना। तो इसमें किस पर और किस तरह बल लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो घो का आंसर देखते हैं, यहाँ धावक के दौड़ने के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है, क्योंकि वो दौड़ दौड़कर उछलने के लिए जाता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। यहाँ पर हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे को टुकड़े के किस प्रकार प्रभावित करता है? जो लोहे का टुकड़ा होता है उसको किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर देखते हैं, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जो टुकड़ा होगा जब उसे हम पीटेंगे तो फ्लैट हो जाता है।
उससे क्या होता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। अब अगला सेवंथ क्वेश्चन है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। अब हम एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। अब आपने क्या किया है, एक पानी से भरी बाल्टी को आपने अपने हाथ पर लटकाया हुआ है, तो अब आपको बताना है कि उस बाल्टी पर कौन-कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम गुरुत्वाकर्षण बल और तनाव बल है। क्योंकि आप जब देखते हैं बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल नेट बल शून्य है। अब आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो अब आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल होते हैं। एक तो होता है वायुमंडलीय द्वारा घर्षण बल और दूसरा होता है गुरुत्वीय बल। अब यहाँ पर आपके सामने लास्ट और टेंथ क्वेश्चन है, जब किसी ड्रॉपर के चुंच नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है और ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है। तो अब आपको इसमें ड्रॉपर में पानी चढ़ने के कारण बताने हैं। तो इसके कारण यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पानी का दाब है या फिर पृथ्वी का गुरुत्वीय है या फिर रबड़ के बल्ब की आकृति या फिर वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर इसके आंसर है वायुमंडलीय दाब। तो अब आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक तुमने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।